नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GSM क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 की गणित के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपका प्रश्नावली है 7.1। उसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है त्रिभुज का, वो ये लिखा हुआ है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी ए डी के बराबर है और ए बी कोण ए का समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, जिसमें ये आपकी आकृति बनी हुई है। अब देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सवाल में क्या चीज़ें दी गई हैं, फिर हमें सिद्ध क्या करना है ये चीज़ें लिखेंगे, फिर उसके बाद आती है उपपत्ति, उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो सवाल में दी गई हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी और ए डी बराबर है। ए सी आपकी ये रेखा हुई और ए डी आपकी ये रेखा हुई, ये दोनों बराबर हैं। और ये भी बताया गया कि जो ए बी है वो कोण इस कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये हुआ कि दो बराबर भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अब दिया क्या है, दिया है में लिखेंगे एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए सी बराबर है ए डी के और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, द्विभाजित करता है। ये चीज़ें दी गई हैं आपके सवाल में। अब इसके बाद हम ये करते हैं, क्या चीज़ें हमें सिद्ध करनी है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इस सवाल में, इस सवाल में ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, अर्थात ये ऊपर वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है, ये हमें दिखाना है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। उसके बाद आता है उपपत्ति। उपपत्ति में ये चीज़ें दिखानी है कि हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं। इसमें ये करना है, जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसको लीजिए और क्या चीज़ें इस त्रिभुज में आपको प्राप्त होती हैं उससे आपको ये दिखाना होगा कि ये चीज़ें क्यों सर्वांगसम हैं, कैसे हो रही हैं। अब इसके लिए हम जो दिखाना है, जो त्रिभुज की ये सर्वांगसम है, उन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में अब देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं वो हम लिखते हैं। दिया गया है ए सी ए डी के क्या है, बराबर है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे ए सी बराबर ए डी के, ये क्या यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ये सवाल में आपके दिया गया है। फिर उसके बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि आपके सवाल में बताया गया है कि जो ए बी रेखा है वो कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण सी
ये बी सी ये बी बराबर है कोण डी ए बी के। क्यों बराबर है, यहाँ पे लिख दीजिए कि ए बी कोण ये को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। करता है ये लिख दिया गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में जो ये रेखा है, ये रेखा दोनों त्रिभुजों में आती है, अर्थात ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। लिख दीजिए ए बी बराबर ए बी के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए ये आपकी क्या हुई, इस दोनों त्रिभुजों में ये आपकी साइड हो गई, ये आपकी एंगल हो गई, ये साइड हो गई। तो एक नियम ये कहता है सर्वांगसम के लिए, यस ये एस के नियम से, त्रिभुज ये बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ये बी डी के। फिर ये प्रूव हो गए। साइड एंगल साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।